नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको छोले बनाना सिखाएंगे। आज हम आपको छोले बिना प्याज बिना लहसुन के बनाना सिखाएंगे। बिना प्याज बिना लहसुन के भी छोले बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए छोले बनाते हैं। छोले बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम काबली चना। काबली चने को 5-6 घंटा पहले हमने सोक कर लिया था। 2 उबले आलू, 4 टमाटर, 3-4 हरी मिर्ची जिसको हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है, 1 टुकड़ा अदरक ग्रेट किया हुआ, गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी, जीरा, मिर्ची पाउडर, छोले मसाले, मस्टर्ड ऑयल। हमने खड़े मसालों में लिया है 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री, 1 तेजपत्ता, ये 1 चम्मच चाय पत्ती है जिसको हमने कपड़े में बांध कर पोटली बना लिया है। तो चलिए छोले बनाना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे। कुकर में ये हमारे जो सोक किए हुए चने हैं उनको डालेंगे और ये तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और ये जावित्री और ये पोटली वाला चाय पत्ती, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर 4 सीटी आने तक चने को, अब जब तक चने उबल रहे हैं तब तक हम टमाटर को पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये टमाटर पीस कर हमने इसका अच्छा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम मसाले भूनते हैं। मसाले भूनने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बाकी सामग्री ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच जीरा, ये कसूरी मेथी आधा चम्मच, ग्रेट किया हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, सभी सामग्री को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये 1 तेज पत्ता, इसको भी भून लेंगे। हमने सभी सामग्री को भून लिया है। अब ये टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया है उसको भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और टमाटर पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच छोले मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। आज हम छोले बिना लहसुन प्याज के बनाना सिखा रहे हैं। बिना लहसुन प्याज के भी छोले बहुत टेस्टी होते हैं। हमने मसाले को ढककर अच्छी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हैं मसाले से तेल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे, ये जो हमने आलू लिया था इसको इस तरह से मैश करके डाल देंगे। अब हम मसालों में आलू को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हम चने को देख लेते हैं कि हमारा चना अच्छी तरह से पक गया है कि नहीं। चने को मिक्स करेंगे। चने हमारे पक गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। ये पोटली जो है इसको निकाल देंगे और ये पानी सहित पूरा मसालों में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर छोले को 10 मिनट पका लेंगे और अब लास्ट में इसमें 1/4 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे और मसाले को भी मिक्स कर लेंगे। हमारा एकदम टेस्टी, बहुत ही बढ़िया छोला बनकर तैयार है। अब हम छोले को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमने छोले को सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे छोले बनकर तैयार हैं। हमने छोले में लहसुन प्याज नहीं डाला है। बिना लहसुन प्याज के छोले बनाया है। बिना लहसुन प्याज के भी छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोले को भटूरे के साथ या चावल के साथ एंजॉय करिए।